हाय गाइस, वेलकम टू थिरिकाटिया व्लॉग्स। नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह की शुरुआत हुई है थोड़ी सी वॉक के साथ। थोड़ा सा वॉक करने निकले हैं हम और उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। काफ़ी दिन से गैप हो रहा था। आज बाहर बहुत ठंड है तो मैं कैप और स्टोल डाल के बाहर आई हूँ और इसके बाद हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे बस। और ठंड बहुत है, इतनी ठंड है मन ही नहीं करता कुछ करने के लिए, बट चलो थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कुछ करनी चाहिए। वैसे भी होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दिन की शुरुआत इस प्रकार हुई है। मिलते हैं आपसे, टडा। ब्रेकफास्ट में है मक्की की रोटी विद बटर एंड साग और साथ में चाय भी लेती हूँ मैं ब्रेकफास्ट में। दादी ले रही है सनबाथ, डायरेक्ट धूप में बैठी हुई है। ये टिया खड़ी है दादी के पास। ये हमारी दादी का है मंजा जिसपे दादी रखती है लॉट्स ऑफ सामान ताकि दादी को अंदर ना जाना पड़े लेने के लिए। ये टिया कह रही है, टिया आज दादी कैसी लग रही है? अच्छी। कैसी लग रही है? अच्छी। अच्छी लग रही है कि सुंदर सुंदर? अच्छी। होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और सुबह ब्रेकफास्ट तो हो गया था, उसके बाद हम मैंने और आबू ने थोड़ी करी खेली खेली, तो अब हम ले रहे हैं थोड़ा सा सन बाथ एज यू कैन सी। और बस धूप में बैठे हैं, थोड़ा सा फ्री होके जूस वगैरह पिया है वेजिटेबल्स का। और बस होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। ठंड का मौसम है तो सारे के सारे जब भी फ्री हों तो धूप में ज़रूर बैठें। धूप में बैठोगे तो विटामिन डी भी मिलेगा और इम्यूनिटी भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वैसे तो धूप में थोड़ी देर बैठना चाहिए अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी टाइम मिले तो। अपनी केयर करना मत भूले बिल्कुल भी नहीं, अपनी केयर सबको करनी चाहिए। टाइम मिले अपनी केयर करने का, अपनी सेल्फ केयर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो घर के काम के साथ साथ केयर भी करनी अपनी ज़रूरी होती है। और ये खड़ी है टिया मैडम। संतरा किसको दे रही है टिया? मैं को। अब आपको लेके चलती हूँ आवो के पास कि आवो क्या कर रही है। ये तो यहाँ का सिनेरियो है फिलहाल, टिया और दादी की ऑरेंज फाइट। ये हमारा क्यूट सा बच्चा क्रॉल करते हुए। छोनी बच्ची, छोनी पुत्री। तो आवो भी आई है दादी के पास, कुछ आस में कि दादी मेरे को कुछ देगी, बट आवो का हो गया मूड चेंज। वो कहती है मैं तो साइड में जाके ये पकड़ूंगी। तो अब मैं डाल रही हूँ बूंदी का रायता। रायता वैसे मैंने डाल लिया है, इसमें नमक वगैरह ऐड कर दिया, मिक्स कर देते हैं और इसको रख देते हैं क्योंकि फ्रिज से दही निकाली है तो बना के बाहर ही रख। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, गेट अप गेट अप गेट अप गेट अप। 1 2 3 4 5 6 7 ये बच्चा हमारे घर चलना सीख रहा है, अपनी दादी घर जाएगा चल के चप्पल उतर के। ये हाँ, वाह वाह, चलो चलो। और मेरे सोना पुत्र आजा, खड़े होके आओ, खड़े होके, खड़े होके, अच्छा 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 अच्छा, हुई 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 हुई, छोटो कोको चल रहे हैं, हुई फटाफट चल रहे हैं छोटो, हुई हुई, इधर आ जा, अब हम अच्छा 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 अच्छा, आजा 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 आजा, तो आवो के साथ की हमने बहुत सारी मस्ती। आवो ने यहाँ पे चलना सीख लिया है अपनी नानी के घर, तो बस अब उसके बाद फिर रोटी वगैरह बनाई, रोटी खाई है, तो अब मैं आई हूँ रूम में और टिया हमारी प्यारी सी बच्ची सो गई है। ये हमारी प्यारी सी बच्ची सो गई है टिया, कितनी क्यूट लग रही है सोते हुए। सोते हुए बच्चे कितने प्यारे लगते हैं ना, सुंदर सुंदर से आराम से सोई पड़ी है मैडम। इसको अब मैं ढक देती हूँ ब्लैंकेट से वरना ये टंगे मार मार के सारा हटा देती है।
सारा हटा देती है। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग होता है एंड। होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिए सारे। अपनी सेल्फ केयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द्रिकतिया व्लॉग्स। जल्दी मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।